अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफीज़म इस्लाम और आज मैं आपके सामने ये गुनियत तालिबीन की किताब लेकर आई हूँ। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी, उस टॉपिक का नाम है सबसे बड़ा चोर। औज़ बिल्लाह मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हदीस शरीफ में आया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज में से कुछ चुराता है वह बदतरीन चोर है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कोई नमाज की चोरी कैसे कर सकता है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, रुकू व सुजूद को पूरा अदा ना करना नमाज की चोरी है। हसन बशरी ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको बताऊं कि लोगों में सबसे बदतरीन चोर कौन है। सहाबा ने अर्ज किया, ज़रूर इरशाद फरमाइए, वह कौन है? हुज़ूर ने फरमाया, जो न रुकू पूरा करता है और न सजदा मुकम्मल करता है। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि नमाज एक पैमाना है, जो पूरा देगा उसको उसका पूरा दिया जाएगा, और जो कम देगा तो जानते ही हो कि कम देने वाले के हक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अली या अली बिन शैबान फरमाते हैं कि मैं उन नुमाइंदों में से एक था जो हुजूर की खिदमत गरामी में अपने कबीले की तरफ से हाजिर हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया कि अल्लाह उसकी तरफ इख्तलाफ नहीं फरमाता जो रुकू और सुजूद में अपनी कमर सीधी नहीं रखता।